हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो कैसे मैपिंग प्रोसेस पे बनाया गया है, ये उसका पार्ट थर्ड है। इसके पहले दो पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले वो पार्ट देख लीजिएगा। मैपिंग प्रोसेस पे पहला वाला पार्ट था आपका एसोसिएटिव मैपिंग, उसके बाद था डायरेक्ट मैपिंग, वो दोनों के दोनों अपलोड किए जा चुके हैं। तो इसके पहले उनको देख लीजिएगा ताकि ये वाला अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये वाला वीडियो देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप थे और कैश मैपिंग प्रोसेस होता क्या है। तो कैश मैपिंग प्रोसेस बेसिकली देखो होता क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मैन मेमोरी टू कैश मेमोरी इज रेफर्ड टू एज मैपिंग प्रोसेस। इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए ये है आपकी रैम, मतलब प्राइमरी मेमोरी, और ये है आपकी कैश मेमोरी। तो अगर सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, उसको कुछ डेटा चाहिए, तो पहली प्रायोरिटी दी जाती है कैश मेमोरी को। अगर यहाँ पे डेटा मिल जाता है तो वो कहलाता है कैश हिट, नहीं मिलता है तो वो कहलाता है कैश मिस, और सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है रैम को। जब डेटा रैम से सीपीयू यूज़ में लेता है तो उस टाइम पर उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी के अंदर भी कॉपी कर देता है। मतलब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मैन मेमोरी टू कैश मेमोरी, मतलब यहाँ से जो रैम है आपकी, जो प्राइमरी मेमोरी है, मैन मेमोरी है, वहाँ से जो डेटा कैश मेमोरी के अंदर कॉपी किया जाना है, ये चीज़ कहलाती है आपकी मैपिंग प्रोसेस। अच्छा, इसके टाइप्स अगर हम देखें तो बेसिकली इसके तीन टाइप होते हैं, एसोसिएटिव मैपिंग है, डायरेक्ट मैपिंग है और सेट एसोसिएटिव मैपिंग है। ये दोनों की दोनों मैपिंग प्रोसेस पहले वाले वीडियोज में अपलोड की जा चुकी है, आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको। सेट एसोसिएटिव मैपिंग एक बार देख लेते हैं। अच्छा, सेट एसोसिएटिव देखने के लिए पहले ये चीज़ समझ लेना ज़रूरी है कि बाकी की जो दो आपकी मैपिंग प्रोसेस थी, एसोसिएटिव मैपिंग और डायरेक्ट मैपिंग, तो उनमें ऐसी क्या कमियाँ रह गई थी या क्या ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से सेट एसोसिएटिव यूज में लेनी पड़ी। तो बेसिकली इसकी नीड की अगर हम बात करें तो देखो, पहले डायरेक्ट मैपिंग को समझ लेना ज़रूरी है कि डायरेक्ट मैपिंग के अंदर था क्या कि आपकी जो मेन मेमोरी थी उसके डेटा वर्ड्स को, या फिर हम ये बोल सकते हैं उसके अंदर जो वर्ड होता था उसके एड्रेस को कॉपी किया जाता था, कहाँ पे, कैश मेमोरी के अंदर। अच्छा देखो, वहाँ पे जो डेटा था वो एक इंडेक्स पे एक डेटा हमको मिलता था, जो टैग हमको मिला करता था वो एक इंडेक्स पे एक मिलता था। यहाँ पे टू प्रोवाइड मोर डेटा ऑन द सेम इंडेक्स एड्रेस, मतलब देखो अभी हमारी नीड क्या है कि जो डायरेक्ट में हमको एक टैग पे, मतलब एक इंडेक्स पे एक टैग मिला करता था, अब हमको करना क्या है कि हमको ज़्यादा डेटा चाहिए सेम इंडेक्स एड्रेस पे। तो इसके लिए देखो किया क्या जाना है, डिसएडवांटेज एक बार समझ लेते हैं डायरेक्ट मैपिंग का, उसके बाद हम इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग इज दैट टू वर्ड विद द सेम इंडेक्स इन देयर एड्रेस बट विद डिफरेंट टैग वैल्यू कैन नॉट रिसाइड इन द कैश मेमोरी एट द सेम टाइम। यही चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस की, हम लोगों ने देखा क्या यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि सेम आपका टैग जो है, टैग अलग अलग है, इंडेक्स वैल्यू आपकी सेम है, एक एड्रेस के अंदर जो एड्रेस रिक्वायरमेंट है अभी कैश मेमोरी की, उस एड्रेस के अंदर अगर इंडेक्स की वैल्यू सेम है और टैग एड्रेस अलग अलग है, तो वो दोनों के दोनों अलग अलग टैग एड्रेस वाली वैल्यूज आपकी कैश मेमोरी में एक साथ रिसाइड नहीं कर सकती, वो दोनों एक साइड वहाँ पे एक साथ हम स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा देखो, इसके लिए अब किया क्या जाना है, हमको यहाँ पे सेट्स बना लेने हैं। सेट्स क्या होंगे इसको एक बार समझ लेते हैं। ईच वर्ड ऑफ कैश कैन स्टोर टू और मोर वर्ड्स ऑफ मेमोरी अंडर द सेम इंडेक्स एड्रेस, ये है हमारा लॉजिक सेट एसोसिएटिव मेमोरी का। पहले क्या था डायरेक्ट मैपिंग के अंदर कि एक इंडेक्स एड्रेस पे, एक इंडेक्स एड्रेस के एक इंडेक्स पे हम लोग एक ही टैग रख पाते थे, लेकिन ईच वर्ड ऑफ कैश कैन स्टोर टू और मोर वर्ड्स ऑफ मेमोरी अंडर द सेम इंडेक्स एड्रेस, ये हम सेट एसोसिएटिव के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। ईच डेटा वर्ड स्टोर्ड विद इट्स टैग एंड द नंबर ऑफ टैग डेटा आइटम इन वन वर्ड ऑफ कैश कॉल्ड सेट। तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम देखें, सॉरी यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, CACH होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो होना क्या है अब कि आपकी जो कैश मेमोरी के अंदर जो वर्ड्स स्टोर होने वाले हैं, उन वर्ड्स के अंदर अब होगा क्या कि एक इंडेक्स एड्रेस पे, सेम इंडेक्स एड्रेस पे अलग अलग वर्ड्स स्टोर किए जा सकते हैं, और जो वैल्यूज वहाँ पर स्टोर की जानी है वो वैल्यूज क्या कहलाएगी आपकी, सेट। मतलब ईच डेटा वर्ड स्टोर्ड विद इट्स टैग एंड द नंबर ऑफ टैग डेटा आइटम इन वन वर्ड ऑफ कैश कॉल्ड सेट। जितने भी वहाँ पे डेटा आइटम उस टैग पे स्टोर किए जाने हैं वो सिंगल सिंगल वैल्यूज आपकी कहलाएगी सेट।
इसको ऐसे समझिए कि जैसे इंडेक्स वैल्यू है हमारे पास में 0000, इसको अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं। 3 बिट का आपका होता है, ऑक्टल में लिया जाता है। 000 मान लीजिए अगर इंडेक्स है, तो यहाँ पे 02 हमने टैग भी यूज में ले लिया और 00 टैग भी हमने यूज में ले लिया। यहाँ पे भी इसकी एड्रेस डेटा यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ भी इसका डेटा लिखा जा सकता है। तो ये सिंगल जो वैल्यू है ये सेट कहलाएगी, ये जो सिंगल वैल्यू है ये भी एक सेट कहलाएगी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं एक बार। इन अ टू वे सेट एसोसिएटिव कैश मैपिंग, वन वर्ल्ड ऑफ कैश हैज़ टू टैग्स, टू डेटा आइटम ऑन वन पर्टिकुलर इंडेक्स। अच्छा, इसको समझिएगा कि अगर आपकी एसोसिएटिव मैपिंग जो है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, अगर वो टू वे है, तो टू वे के अंदर वहाँ पे जो सेट होगा उसके अंदर वैल्यूज़ कितनी रिसाइड कर सकती है, हमेशा दो वैल्यू वहाँ पे रिसाइड कर सकती है। मतलब एक पर्टिकुलर सेट होगा, उसके बाद में सेकंड सेट होगा, मतलब आपके जो सेट्स वहाँ पे बन रहे हैं वो दो अलग अलग बन रहे हैं, एक अलग टैग के लिए बन रहा है, दूसरा अलग टैग के लिए बन रहा है। जिसको एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे कन्फ्यूजन हो काफ़ी, तो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे इसको यूज में लिया जाता है। तो एग्जांपल देखो, हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास में मैन मेमोरी भी है और यहाँ पे हमारे पास में कैश मेमोरी भी है। मैन मेमोरी यहाँ पे है हमारे पास और कैश मेमोरी वाला पार्ट ये है। अच्छा देखो, सीपीयू जो है वो कुछ एड्रेस को एक्सेस करना चाहता है। सीपीयू वांट्स द वर्ड स्टोर्ड एट एड्रेस, मतलब इन लोकेशंस पे जो वर्ड स्टोर है सीपीयू उनको एक्सेस करना चाहता है। पहली वाली जो वैल्यू है ये सेम का सेम एग्जांपल हमने डायरेक्ट मैपिंग पे भी लिया था। वहाँ पे बस क्या था कि ये वाला जो पार्ट है तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही पार्ट था, सेट्स वहाँ पे नहीं बने हुए थे। यहाँ पे हम देखें तो दो सेट है हमारे पास, एक है टैग 0 वाला और एक टैग 02 वाला। अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं कि हमको बोला क्या गया है 000, फिर उसके बाद में 00 आपको वैल्यू दी गई है 5 बिट की। टोटल जो वैल्यू है उसके अंदर आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। इसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो वो है 000, टैग की वैल्यू है 000। अच्छा ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे सर्च करते हैं, 000 हमको इंडेक्स मिला, 000 इंडेक्स के बाद हमको टैग देखना है 00 हमको इंडेक्स मिला, डेटा यहाँ पे क्या है 1121, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये कैश मेमोरी कहाँ सेंड कर देगी, मतलब सीपीयू इसको एक्सेस कर लेगा, और सीपीयू इसको एक्सेस करेगा तो ये मेमोरी कहाँ पे चली जानी है, मतलब ये डेटा कहाँ पे चला जाएगा अब सीपीयू के पास में। अच्छा नेक्स्ट एड्रेस अगर हम देखें जो सीपीयू की रिक्वायरमेंट है वो है 02000, इंडेक्स वैल्यू है यहाँ पे 000, टैग वैल्यू है यहाँ पे 02। 000 हमने इंडेक्स वापस से चेक किया और 000 हमने टैग देखा 02, 02 टैग भी हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखें 2234, मतलब अब कैश यहाँ पे हिट हुआ है, मतलब ये वाला जो डेटा है इसको कौन एक्सेस कर लेगा, आपका सीपीयू इसको एक्सेस कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट दिया गया है 02777, इंडेक्स वैल्यू है 777, टैग वैल्यू है 02। इंडेक्स वैल्यू हमने यहाँ पे चेक किया 777, टैग वैल्यू 02 यहाँ पे फाउंड हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 6312 जो ये है, ये डेटा है इसको एक्सेस कौन करेगा, आप सीपीयू इसको एक्सेस कर लेगा, मतलब यहाँ भी कैश हिट अगर हुआ। नेक्स्ट वैल्यू अगर देखें तो वो है 02345, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 345 और टैग वैल्यू है यहाँ पे 02। तो देखो अगर यहाँ पे हम देखें तो इंडेक्स वैल्यू हमने देखा यहाँ पे 345 हमको मिल चुका है, टैग वैल्यू देखा हमने 02 यहाँ पे मिल चुका है, तो यहाँ पे वर्ल्ड हमको कौन सा मिला, डेटा कौन सा मिला 2343। तो ये वाली वैल्यू अब कैसे एक्सेस कर सीपीयू एक्सेस कर लेगा। अच्छा देखो यहाँ पे अगर कोई मिस अकर होता है तो उस वैल्यू को मेमोरी से, मतलब आपकी जो मेन मेमोरी है वहाँ से कॉपी करके और इसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है, मतलब एक कॉपी उसकी मेन मेमोरी में भी रहेगी और एक कॉपी उसकी कैश मेमोरी के अंदर भी रहेगी। अगर बाई चांस कोई मिस अकर होता है तो मिस जैसे ही अकर होगा या फिर आपका सेट जो है, जो आपका टू वे सेट एसोसिएटिव कैश है, ये वाला जो पार्ट है आपका, अगर मान लीजिए ये फुल हो जाती है तो आपको रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है कुछ, जो कैश मेमोरी उनको यूज़ में लेती है, सीपीयू जनरली उनको एग्जीक्यूट करता है कि कैश मेमोरी अगर फुल है या फिर कि कोई नया वर्ड जो है वो एक मिस अकर हुआ और कोई नया वर्ड कॉपी करना है मेमोरी के अंदर से, मेन मेमोरी के अंदर से, तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम उनके लिए यूज में ली जाती है। कौन कौन सी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज में ली जाती है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो मोस्टली हमेशा कब यूज में ली जाएगी, या तो मिस कंडीशन कोई अकर हो, या फिर हम ये बोलें कि आपकी जो कैश मेमोरी है जिसकी मैपिंग आप कर रहे हैं वो मैपिंग वाला जो पार्ट है वो फुल हो चुका है, तो यहाँ पे रैंडम रिप्लेसमेंट जनरली यूज में लिया जा सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज में लिया जा सकता है, या फिर लीस्ट रिसेंटली यूज में लिया जा सकता है। तीन एल्गोरिथम्स हैं यहाँ पे
रैंडम रिप्लेसमेंट जनरली यहाँ पे यूज में ले ली जाती है, क्योंकि जो भी पार्ट जहाँ से भी डेटा को एक्सेस किया जाना है उसको रैंडम वे में उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब अगर मिस अकर हुआ, जिस लोकेशन पे मिस अकर हुआ, तो वहाँ पे रैंडमली डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर तो एक वे फॉलो करना होता है कि जो पहले डेटा इंसर्ट हुआ है उसी डेटा को आउट किया जाना है। मतलब जो मैपिंग के अंदर जो सबसे पहले डेटा ऐड किया गया होगा कैश मेमोरी के अंदर, उसी डेटा को सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा। लीस्ट रिसेंटली यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो वाला पार्ट जो सबसे लीस्ट यूज में हुआ है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये है कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेसिकली जो यूज में ली जाती है। इनके बारे में पर्टिकुलरली हम अलग अलग वीडियोस बना के वहाँ पे विद एग्जांपल डिस्कशन कर लेंगे। इस वाली वीडियो के अंदर हमने कैश मैपिंग प्रोसेस देखा था जो सेट एसोसिएटिव है। इसके पहले के जो दो वीडियोज अपलोड किए गए हैं कैश मैपिंग प्रोसेस पे, वो एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फेसबुक पेज का जो लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।